हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं दलिया पुलाव। टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हेल्दी भी होता है ये। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक कप दलिया लिया था। दलिया को 2 घंटे गर्म पानी में भिगो के रखा था। अब मैंने दलिया को छन्नी में रख लिया है। 15 से 20 मिनट छन्नी में ही रहने देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाही रखेंगे, कढ़ाही को गर्म होने देंगे। कढ़ाही गर्म हो चुका है, 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल डाल लेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, 1 टीस्पून बारीक कट किया हुआ अदरक डाल लेंगे। 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया है। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। 1/2 बारीक कट किया हुआ शिमला मिर्च भून लेंगे थोड़ी देर। 1/2 कप बारीक कट किया हुआ गाजर, 1/2 कप मटर थोड़ी देर भून लेंगे। 1 बारीक कट किया हुआ टमाटर, 2 हरी मिर्च लंबाई में कट की हुई। टमाटर को हल्का सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला मिक्स करेंगे। थोड़ी देर भून लेंगे। पानी में भीगा हुआ दलिया, नमक डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। गैस को लो पे कर लेंगे, ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा के दलिया पुलाव को 7 से 8 मिनट पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। दलिया पुलाव को चेक कर लेते हैं। देखने से तो लग रहा है पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है, एक बार चेक कर लेते हैं। दलिया अच्छे से पक चुका है। अगर अच्छे से पानी में भीगा होगा दलिया तो पुलाव में पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि दलिया अच्छे से पक नहीं रहा है तो 1/2 कप इतना पानी ऐड कर सकते हैं। गैस को ऑफ कर लेंगे। ऊपर से बारीक कट किया हुआ हरा धनिया ऐड कर लेंगे। हमारा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी दलिया पुलाव बनके बिल्कुल रेडी है। आप भी इस तरीके से दलिया पुलाव जरूर ट्राई करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।